जय मसीह की दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं म्यूजिक फॉर गॉड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम गीत सीखने जा रहे हैं, उस गीत का नाम है कितना हसीन वादा ये किया खुदावा ने। तो चलिए दोस्तों, इस गीत को अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सॉन्ग को हम सी मेजर स्केल में प्ले करना सीखेंगे। चलिए एक बार हम सी मेजर स्केल प्ले करके देख लेते हैं। एंड दोस्तों, इस सॉन्ग में जो हम कॉर्ड्स यूज करेंगे उसे भी एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट कॉर्ड इज सी मेजर कॉर्ड, एंड सेकंड कॉर्ड इज बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, एंड थर्ड कॉर्ड इज एफ मेजर कॉर्ड। दोस्तों, इस सॉन्ग को हम सी मेजर स्केल में तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये सॉन्ग ऐसा है कि इसमें जी मेजर कॉर्ड का यूज नहीं होगा और उसके जगह यहाँ पर बी फ्लैट मेजर कॉर्ड का यूज होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस सॉन्ग को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सॉन्ग के कोरस को प्ले करना सीखेंगे एंड उसके बाद इस सॉन्ग के स्टेंजा को प्ले करना सीखेंगे। दोस्तों, इसके कोरस की शुरुआत की जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। तो चलिए दोस्तों, इस लाइन को अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस लाइन को हमें दो बार रिपीट करना है। तो चलिए दोस्तों, इस लाइन को एक बार हम सेम फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं। एंड इसके आगे की जो लाइन है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। और हाँ दोस्तों, इस लाइन को हमें दो बार रिपीट करना है। तो चलिए दोस्तों, इस लाइन को अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस लाइन को एक बार हम सेम फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं। तो ये था दोस्तों इस सॉन्ग का कोरस, जिसे अभी हमने प्ले करना सीखा। एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ तक प्ले कर लेते हैं, उसके बाद एक बार और आपको इस सॉन्ग के कोरस को रिपीट करना है। और चलिए दोस्तों, अब हम इस सॉन्ग के स्टेंजा को सीखना स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो कॉर्ड्स एंड नोट्स मैं आपको इस सॉन्ग के फर्स्ट स्टेंजा के लिए बताऊंगा, सेम कॉर्ड्स एंड नोट्स को दोस्तों इस सॉन्ग के आगे जितने भी स्टेंजा उनमें भी बिल्कुल आपको सेम पैटर्न के साथ प्ले करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके स्टेंजा को अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके स्टेंजा की शुरुआत की जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं। तो चलिए दोस्तों, इस लाइन को अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस लाइन को हमें दो बार रिपीट करना है। चलिए दोस्तों, इस लाइन को एक बार हम सेम फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं।
एंड इसके आगे की जो लाइन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजूं। तो चलिए दोस्तों इस लाइन को अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों इस लाइन को भी हमें डबल प्ले करना है। चलिए दोस्तों इस लाइन को एक बार हम सेम फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं। इसके आगे की जो लाइन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, यीशु के सिवा कब ये बात कही किसने। तो चलिए दोस्तों इस लाइन को अब हम सीखने स्टार्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों इस लाइन को भी हमें एक बार और रिपीट करना है। तो चलिए दोस्तों इस लाइन को एक बार हम सेम फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आप यहां तक प्ले कर लेते हैं, इसके बाद आपको जहां दो या तीन जमा हो इस वाले लाइन को प्ले करना है। तो ये था दोस्तों इस सॉन्ग का स्टैंजा जिसे अभी हमने प्ले करना सीखा। और दोस्तों जो कॉर्ड्स एंड नोट्स मैंने आपको इस सॉन्ग के फर्स्ट स्टैंजा के लिए बताया है, सेम कॉर्ड्स एंड नोट्स को दोस्तों बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ इस सॉन्ग के आगे जितने भी स्टैंजा है उनमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ आपको प्ले करना है। तो ये था दोस्तों इस सॉन्ग का ट्यूटोरियल। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आपको कोई भी क्रिश्चियन सॉन्ग सीखना है या फिर आपको कीबोर्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसे जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की।